नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज गुरुग्राम के सिविल अस्पताल सेक्टर 10 में पहुंचे। यहां उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल के कई विभागों का औचक निरीक्षण भी किया। यहाँ खामियां मिली उसके बारे में प्रशासन को निर्देश भी दिए। इस दौरान गुरुग्राम के जिला उपायुक्त भी उनके साथ थे। दरअसल दुष्यंत चौटाला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गुरुग्राम पहुंचे थे। दुष्यंत ट्रैक सूट पहने ही पहुंचे थे और वहां उन्होंने युवाओं की हौसला अफजाई भी की, जिसके बाद वो सिविल अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री व जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश को स्थिर सरकार देने के लिए हम संकल्प ले चुके हैं, भाजपा के साथ मिलकर हरियाणा को तरक्की की राह पर आगे ले जाएंगे। दरअसल जेजीपी नेता दुष्यंत चौटाला बृहस्पतिवार सुबह लोह पुरुष कहे जाने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर यहां के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी दौड़ में शामिल होने के लिए आए थे। आपको बता दें कि अस्पताल का दौरा उनके प्रोग्राम लिस्ट में नहीं था। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल को लेकर शाहमात का खेल चल रहा है। इस बार हरियाणा सरकार पूरी तरह से बीजेपी की नहीं है। बीजेपी को जेजेपी और निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है। नए मंत्री के चयन के दौरान बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक समीकरण साधने के साथ साथ सहयोगी जेजेपी और निर्दलीय डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी सबसे बड़ी सहयोगी है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।